हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगना पे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा है हमारा? हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं और एलिमेंट की बुक से एक्सरसाइज 9.7 के पहले दो क्वेश्चन उस पर बेस्ड हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। तो मेनली आज हम जो पढ़ने वाले हैं, तो आप बोल सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में, या फिर हम लॉगरिथमिक फंक्शन जो होंगे, यानी लॉग एक्स जिसमें लॉग होगा, उस टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे पहले। यानी आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले मैं बात करता हूँ लॉगरिथमिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करवाने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, सिंपली लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब कुछ बच्चे जल्दबाजी करेंगे और बोलेंगे सर 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इंटीग्रेशन 1/x नहीं होता। ये मैंने जब स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था तब आपको बताया था कि ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, बट लॉग एक्स का इंटीग्रेशन 1/x नहीं होता। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम कैसे निकालें? हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो सिंपली लॉग एक्स है मेरे पास, तो एक सिंगल सी टर्म है, कोई पावर नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। तो जितने भी चीज़ें हमें अभी तक पढ़ी वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आती है, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है। अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पे, तो उसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो किस में चेंज करूँ? तो उससे भी बात नहीं बन सकती। तो मेरे पास फाइनली क्या बचता है? दैट इज योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इंटीग्रेशन पार्ट में तो आपने ये सिखाया कि इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन मिलेंगे यू इंटू वी, उन दोनों का मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ एक लॉग एक्स ही है, सिंगल फंक्शन है मेरा, तो इसका इंटीग्रेशन मैं कैसे करूँ? तो दैट्स वेरी सिंपल। क्या करोगे? इस टाइप के जब भी आपको फंक्शन मिलते हैं, सिंपली क्या मैं इंटू 1 लिख सकता हूँ? भाई किसी भी नंबर के इंटू में 1 तो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि उस बात से उस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लॉग एक्स इंटू 1 dx, क्या आप दो फंक्शन हो गए? जी बिल्कुल हो गए। एक मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक 1 इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन और वी कैन से अल्जेब्रिक फंक्शन, आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू पार्ट्स। सो अब यहाँ पे बात आती है कि मुझे फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना चाहिए, सेकंड कौन सा लेना चाहिए। देखो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, वैसे तो हमने रूल किया था आइलेट का रूल भी किया था, उससे भी आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सीधी सी कॉमन सेंस की बात यह है कि जो मैंने ये फॉर्मूला करवाया था, ये क्या था मेरा? सिंपल सा था जी, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला था, ऑप्शन आपको याद हो गया होगा, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि मुझे सेकंड का इंटीग्रेशन करना होता है, जो मैंने सेकंड आइलेट के अलावा आपको चीज़ें बताई थी, सेकंड का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या मैं लॉग एक्स को सेकंड फंक्शन लेने के बारे में सोच भी सकता हूँ? जी नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन मुझे आता तो इनटू 1 या फिर पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की या प्रोडक्ट रूल लगाने की मुझे ज़रूरत कहाँ थी, ठीक है। तो इसी बात से मुझे समझ में आता है कि लॉग एक्स को मुझे क्या लेना चाहिए? फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए, सॉरी क्या लेना चाहिए? फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं जानता। आइलेट में भी जाओगे तो इट्स ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन एल जो है ए से पहले आता है, ठीक है। इट मीन्स लॉग एक्स क्या बनेगा? फर्स्ट फंक्शन एंड 1 इज योर सेकंड फंक्शन। और ये चीज़ ध्यान में रखो हमेशा के लिए कि जब भी आपको इनटू 1 करना पड़े कोई ऐसा फंक्शन जहाँ पे मुझे ऐसा करना पड़े, इसके अलावा क्या होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसके भी इंटीग्रेशन हम कुछ इसी टाइप से करेंगे। सो स्टार्ट करूँ, फॉर्मूला मेरे पास है, क्या बोलते हैं फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज सिंपली इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन इज योर लॉग एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो 1 का कर दो इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। मैं एक क्वेश्चन पूरा लिख के बताऊंगा, फिर हम डायरेक्टली चीज़ों को करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मींस 1 का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का क्या होगा? इंटीग्रेशन। नाउ सॉल्व इट। लॉग एक्स मेरा एज इट इज रहेगा इंटू 1 का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते क्या होता है, 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन करोगे दैट इज 1, आई थिंक ये बेसिक चीज़ें जानते हैं। एंड फिर इस पूरे का मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन अगेन, दिस एक्स एंड एक्स गेट कैंसिल आउट, क्या बचा? अगेन 1। सो दिस इज योर एक्स इंटू लॉग एक्स, माइनस रीअरेंज करके लिख दिया मैंने, 1 का इंटीग्रेशन अगेन दिस इज एक्स, और साथ में लगाते हैं हम एक कॉन्स्टेंट दैट इज सी।
चाहो तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, log x माइनस वन प्लस सी। फॉर फ्यूचर ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं भी है तो मैंने तरीका बता दिया कि log x इंटू वन का इंटीग्रेशन मैं कैसे निकालता हूँ। दैट इज सिंपली log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू log x माइनस वन प्लस ए कॉन्स्टेंट, दैट इज सी। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैंने बताया कि log x का अगर मुझसे इंटीग्रेशन पूछा जाए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। बच्चे क्वेश्चंस कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे आके फंस जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस में मुझे इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी कि क्या होता है, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए ऐसे फंक्शंस का मैं इंटीग्रेशन कैसे निकालता हूँ। हमने क्या सीखा, हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ log x, ठीक है। एंड व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ log x, दैट इज x इंटू log x माइनस वन एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c, दैट्स इट। सो स्टार्ट करें एक्सरसाइज। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री से, और क्वेश्चन नंबर थ्री का क्या लेते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं, होप शो चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। तो आज हम बात करने वाले सिंपली, ये तो प्रोडक्ट रूल पढ़ा रहने देते हैं एक बार। सो द फर्स्ट पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log x स्क्वायर, ठीक है। तो होप शो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में नॉलेज है, लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, यानी थोड़े बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको आते हैं। वो चीज़ें मैं मान के ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। नहीं आते तो एक बार लॉगरिथम थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, बाकी मैं जहाँ जहाँ जो फॉर्मूले यूज होंगे थोड़े थोड़े बताता रहूँगा आपको, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे कुछ बेस होगा, अब वो बेस मेंशन नहीं कर रहा। एक्चुअली मैं इसको लिखने का तरीका ये था कि मैं इसको ऐसे लिखता x इंटू log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस e, x स्क्वायर टू द बेस e, यानी यहाँ बेस e। मैंने आपको बोला लॉगरिथम में कैलकुलस का बेस हमेशा e कंसिडर किया जाता है, और जब आप एलजबरे पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे मैं इसको 10 मान के चलता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ बेस क्या है, e है, तो ये लिखने का तरीका है। बट अगर ये e नहीं दिखता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेस e है, बार बार लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ ये समझ में आ गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास कई तरीके हैं। कैसे, देखो वो बेस से सारे लॉगरिथमिक फॉर्मूलों पे। कैसे, एक फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा कि लॉग ऑफ एम रेज टू पावर एन, बेस कुछ भी होगा, ई टेन ए बी सी डी डजेंट मैटर, मैं लिख नहीं रहा। सो log ऑफ m रेज टू पावर n, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ n इंटू log ऑफ m। मैं पावर को क्या ला सकता हूँ आगे, ये फॉर्मूला आई थिंक आप जानते होंगे लॉगरिथम में। तो ये मेरे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला। ये देखते ही क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। कैसे, देखिए log ऑफ x स्क्वायर है, इस पावर को आगे लेके आ सकता हूँ जी बिल्कुल। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, इस टू को आगे लगा तो टू log x मेरे पास बचेगा डी एक्स एच डी, ये टू कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो। बाकी क्या बचा, बाकी बचा जी मेरे पास log x इंटू एक्स। मैंने ऐसा क्यों किया, dx, मैंने log x को पहले लिख दिया, x को बाद में लिख दिया। क्यों लिख दिया, लास्ट क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। नाउ वी हैव टू फंक्शन u इंटू v, ठीक है। u इंटू v, दिस इज योर लॉगरिथमिक फंक्शन एंड दिस इज योर एल्जेब्रिक फंक्शन। सो l जो है इसे पहले आता है आईलेट के हिसाब से, इट मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन विल बी योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी योर सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो बस यू भी प्रोडक्ट रूल लगा दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, यू गेट योर आंसर। सो दिस टू इज कॉन्स्टेंट, बाहर रहेगा, यूज इट। तो log x मेरा एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दूँ, आई थिंक ये पूरा करने की जरूरत नहीं मुझे। x का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं, दैट इज सिंपली बिकम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। तो अगर लास्ट देखा है तो आप ये फॉर्मूले डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार लिखूँ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, उसके बजाय मैं सिंपली सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जिनको अभी भी थोड़ी सा लग रहा है कि नहीं मुझे अच्छे से नहीं आया, तो वो पूरा स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं कि फर्स्ट ये एज इट इज आइडेंटिटी में यू वी की वैल्यूज पुट करो, एंड देन फर्स्ट इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, फिर उस पूरे का इंटीग्रेशन करो, दैट्स इट। सो द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है जी वन बाय एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये तो वही होगा जो अभी किया मैंने, दैट इज योर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, एंड इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। चीज समझ में आई, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन अगेन एक्स स्क्वायर बाई टू एंड डी एक्स। सो अगेन मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड बिकॉज इट टू मल्टीप्लाई में है। सो नाउ इस टू को अंदर ले जाओ और साथ में इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन भी कर दो। टू अंदर जाएगा तो यहाँ क्या होगा, इससे इस टू से कैंसिल आउट, तो ये बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर को आगे लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। चीज़ें क्लियर।
टू से टू कैंसिल आउट, बाकी जो बचा मैंने लिख दिया माइनस इस x से, ये पावर कैंसिल आउट, ये 1 बाई टू बाहर है, ये बाहर आ जाएगा, सॉरी पहले लिखता हूँ, ये 2 आएगा इन टू, ये 1 बाई टू बाहर आ जाएगा, और क्या बचा मेरे पास, सिर्फ x, x का इंटीग्रेशन अगेन करोगे दैट बिकम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड प्लस एक कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन होने के बाद, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, बाकी जो बचा दैट्स योर आंसर, सिंपल अधिक आसान है, दैट्स इट। सो बस एक नया रूल सीखा हमने, बाकी चीज़ें वही हैं जो पहले से करते आ रहे हैं, इजी है भाई, हो जाएगा, दैट्स योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़े, धीरे धीरे लेवल्स बढ़ेंगे, वह लॉगरिथम से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे आज। तो बस छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो लॉगरिथम की पता होनी चाहिए। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो इस क्वेश्चन की, कि सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, x इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब कुछ बच्चे इसको बाय सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर सकते हैं, कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे, देखो दिस इज योर लॉगरिथमिक फंक्शन एंड दिस इज योर अलजेब्रिक फंक्शन, यस और नो? तो अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट इंटीग्रेशन में पार्ट के हिसाब से क्या बनना चाहिए, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, मुझे पता है मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन बना लेता हूँ एंड सेकंड इज योर इनटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन dx, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूँ ये प्रॉपर्टी लगाए बगैर, जो लॉगरिथमिक की मैंने प्रॉपर्टी बताई, इस 2 को आगे ले जाओ, यहाँ लगाए बिना भी मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, देखो फर्स्ट एज इट इज मीन्स लॉग एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, लॉग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लगेगा, चैन रूल, तो लॉग के अंदर जो भी है वो आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी लॉग एक्स का था 1 बाय एक्स, तो एक्स की बजाय क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया। नाउ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे यू गेट 2x इनटू एक्स का इंटीग्रेशन वो तो सेम रहेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड इस पूरे का मुझे करना डिफरेंशिएशन, जिस चीज़ें क्लियर हुई, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन डी एक्स, यानी ये दो टर्म्स तो सेम आने वाली है दोनों पार्ट्स में। सो बस इस 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा एक्स, सो दिस विल बी योर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस सॉल्व इट, एक्स स्क्वायर का फिर से इंटीग्रेशन करो दैट यू गेट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी, चीज़ें क्लियर, सो दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। लेकिन अब कुछ बच्चे बोलेंगे आंसर सर बुक में मैच नहीं कर रहा, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, तो सिंपल से अगर मैच ही करवाना है तो फिर से वही प्रॉपर्टी लगा दो, क्या कौन से वाली, लॉग ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, कहाँ यूज करोगे, यहाँ लॉग दिख रहा है तो ये 2 आ जाएगा मेरा आगे, इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, मिल गया आंसर, दैट्स इट। दूसरा मेथड इसको करने का, तीसरा मेथड में बच्चे क्या कर सकते हैं, जी एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ एक्स दिख रहा है, जिन्होंने सब्सटीट्यूशन थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया ना उनको दिखाएगा एक्स स्क्वायर जी एक्स है, एक्स स्क्वायर को टी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, कर दो, तो एक्स स्क्वायर को जब टी सब्सटीट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, इस 2 को ले जाओ उधर dt by 2, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, x dx बन गया dt by 2, log x स्क्वायर ये क्या बन जाएगा जी, log x स्क्वायर को मैंने t लिया दैट बिकम योर log t, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इस हाफ को ले आओ बाहर। अब log t का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने सीखा था क्या होता है, इंटू 1 करके इसको निकाल लो, तो क्या होगा, दैट इज वेरी सिंपल, हाफ मेरा बाहर रहेगा, log t एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन होगा इंटू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log t का डिफरेंशिएशन 1 बाय t और 1 का इंटीग्रेशन दैट इज t, साथ में आ जाएगा dt, t एंड t गेट कैंसिल आउट, सॉल्व इट, हाफ log t इंटू t माइनस क्या बचा 1 का इंटीग्रेशन अगेन t एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c, t को कॉमन ले लो तो ये हाफ दोनों के साथ है, सॉरी टी को कॉमन लोगे तो क्या होगा, दिस इज योर t बाहर, ठीक है, इस हाफ को अंदर ले जाता हूँ ताकि आपका आंसर मैच हो जाएगा, हाफ ऑफ log t अगर बाहर रखना चाहो रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, log t एंड माइनस 1 इज देयर एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t क्या माने मैंने एक्स स्क्वायर, तो रख दो दिस इज योर एक्स स्क्वायर इनटू हाफ ऑफ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c, एक्स स्क्वायर में फिर से आइडेंटिटी लगाओगे 2 आगे आएगा तो दिस बिकम योर, कुछ गड़बड़ कर दी हमने जी सर, ये हाफ जो है अंदर लेके गया तो दोनों के साथ जाएगा ना भाई, एक के साथ कैसे आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर इसका था, एक्स स्क्वायर आ गया तो दैट इज 2, अगेन मैंने प्रॉपर्टी लगाई लॉगरिथम की, ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाओ वापस से, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, दैट्स इट,
दैट्स योर थर्ड मेथड। ठीक है, बात एक ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ मैंने लॉग वाला फॉर्मूला बाद में लगाया, बेटर है ना भाई, जब मेरे पास प्रॉपर्टी है मैं चीज़ों को सिंपल कर सकता हूँ, तो यहाँ क्यों नहीं लगा रहे मैं। तो फर्स्ट मेथड इज़ द बेस्ट, बाकी आप जो दिल करे कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, सब में मार्क्स बराबर मिलेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट, आगे बढ़ें, हटा दूँ। ठीक है, तो जिसका जैसे दिल करें कर लिया करो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में एक से ज़्यादा मेथड लग सकते हैं, मैंने पहले बताया, एक से ज़्यादा टाइप के आंसर, अल्टीमेटली आंसर सेम रहेंगे बट एक से ज़्यादा आपको लगेंगे, वो है। सो द सेकेंड पार्ट इज एक्स क्यूब लॉग टू एक्स टी एक्स, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री का, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है भाई, एक्स क्यूब इंटू लॉग टू एक्स, एक्स क्यूब इंटू लॉग टू एक्स साथ में डी एक्स। अब देखो आई लेट क्या बोलता है, फिर से उसने वही बोला। अब मेरे पास देखो हर एक में क्या आ रहा है, अल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक क्या है, इनवर्स फंक्शन अगर नहीं होगा तो लॉगरिथमिक हमेशा फर्स्ट फंक्शन बनेगा। सो इट मीन्स दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। क्या मुझे वापस से इसको उसी फॉर्म में लिखने की जरूरत होती है, यानी हर बार क्या मुझे ऐसे लिखने की जरूरत है? जी बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुझे। आप चाहो तो यहीं से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि जिसको मैंने फर्स्ट फंक्शन बोला वो क्या रहेगा, वो एज इट इज रहेगा, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेज टू पावर 4/4, सब जानते हैं जी बिल्कुल, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, लॉग टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2x, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो एक्स की बजाय 2x था, मैंने 2x लिखा। अब 2x का डिफरेंशिएशन बाय चैन रूल, दैट इज सिंपली इनटू 2, इसका डिफरेंशिएशन होगा। ये इंटीग्रेशन देखो, इसका इंटीग्रेशन मैंने पहले कर दिया, तो ये सेम आने वाला है, दैट इज एक्स रेज टू पावर 4/4, और इसका कर दो अगेन इंटीग्रेशन। सो नाउ सॉल्व इट, सो ये तो इसका काम खत्म हो गया, दैट इज एक्स रेज टू पावर 4/4 इंटू लॉग ऑफ 2x, माइनस 2 एंड 2 गेट कैंसिल आउट, x से कैंसिल आउट करो, क्या बचेगा एक्स क्यूब, ये 4 मेरा बाहर, कॉन्स्टेंट है 1/4, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन अगेन, दिस बिकम एक्स टू पावर 4/4 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, 4 जा 16, दैट्स योर आंसर, इजी, बहुत इजी है भाई। नेक्स्ट बढ़ें, सो बस चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूं वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, नहीं होता तो फिर आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आपको एक बार ट्राई कर लेनी चाहिए, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं ये सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, ताकि आपका कोई एक्सरसाइज में कम से कम डाउट ना रहे, एक्स्ट्रा बुक से हो सकते हैं बट एलिमेंट और एनसीईआरटी से आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1+x इंटू लॉग एक्स टी एक्स इज देयर, सो अगेन 1+x इज एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉग एक्स इज लॉगरिथमिक फंक्शन, सो वी टेक दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस एज सेकंड फंक्शन, ठीक है, नाउ सॉल्व इट, फर्स्ट एज इट इज मींस लॉग एक्स एज इट इज, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ में आ गया कि ये फर्स्ट है तो फर्स्ट एज इट इज, 1+x सेकंड का इंटीग्रेशन, 1+x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा जी x, x का क्या हो जाएगी प्लस x²/2, क्या चीजें क्लियर है, 1+x का इंटीग्रेशन पूछा गया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1+x, तो मैंने 1 का अलग किया, 1 का x होता है जी और x का x²/2 होता है, मैंने यहां लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, किसका भाई, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, मैं जानता हूँ जी ये होगा 1/x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये रहा, ये तो मैंने अभी भी किया है, क्या वापस से करने की जरूरत है, इसका इंटीग्रेशन तो वही होगा जो ये हुआ, तो दैट बिकम योर x+x²/2, और इस पूरे का फिर से मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन, नाउ सॉल्व इट, ऊपर से निकाल दो x को बाहर, ऊपर से x में जब कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा जी 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा जी x बचेगा, क्योंकि पावर 2 है, एक बाहर निकाल दिया एक अंदर बचा, इस x से ये x कैंसिल आउट, जो बाकी बचा उसका कर दो इंटीग्रेशन, सो देयर ये बना x+x²/2 इंटू क्या है मेरा log x, रीअरेंज करके लिख दिया मैंने, माइनस 1 का इंटीग्रेशन अगेन, दिस इज सिंपली x, x/2 का होगा जी x²/2, 2 जा 4, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x²/4 और प्लस एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा c, दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन, इजी, बस ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। सो द फोर्थ पार्ट इज log x²dx, हटा दूं, फोर्थ पार्ट क्या बोलते हैं, log x का होल स्क्वायर मुझे गिवन है, तो बस वही चीजें हैं, घुमा फिरा के थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे। सो क्या होगा भाई, देखो कैसे कर सकते हैं, अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन इज देयर, होल स्क्वायर इज देयर, अब कुछ बच्चे ना इस चीज में ध्यान रखना, लॉगरिथम में
ही होप शो आप जानते होंगे लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग स्क्वायर एक्स एंड लॉग एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इन क्या ये तीनों सिमिलर हैं, क्या तीनों डिफरेंट है, या कोई दो सिमिलर हो? ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो दोनों बातें हैं वो एक ही हैं। अगर आपको स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ मिलता है या होल पे स्क्वायर मिलता है, ये दोनों बातें एक ही हैं। इसका मतलब सिंपली, इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का सिंपली मतलब है कि log x इंटू log x, दो ऐसी टर्म है, यानी y इंटू y वाला फंडा बन रहा है, दैट इज y स्क्वायर, इन दोनों का। और इसका मतलब क्या है, ये जो आर्ग्यूमेंट है मेरा इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो 2 log x, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि पावर को मैं आगे ला सकता हूँ। इस पावर को आप आगे नहीं ला सकते, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी, कि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए लॉगरिथम के बारे में। सो मैं ट्राई करूँगा एक सेपरेट लेक्चर बनाऊँ सिर्फ लॉगरिथम, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमारे मैथ्स में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ट्राई करता हूँ इसी वीक में मैं करवा दूँ, ताकि आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो अगर लॉगरिथम की, तो वो आपके लिए यूजफुल है। सो नाउ फोर्थ पार्ट इज लॉग एक्स होल स्क्वायर, या मतलब ये वाला है, तो मैं यहाँ पे 2 को आगे नहीं ला सकता, वो प्रॉपर्टी नहीं लग सकती यहाँ पे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो आर्ग्यूमेंट के स्क्वायर के ऊपर, आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर होनी चाहिए, मतलब ये पूरे लॉग के ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लग रही लॉगरिथम वाली, पहली चीज। अब दूसरी चीज, मैं सेम एज इट इज जाता हूँ कि मेरे पास लॉग एक्स सिंपल फंक्शन है, तो मैंने बाय पार्ट से करने के लिए इनटू 1 कर दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और बाय द आइलेट रूल लॉगरिथमिक फंक्शन मुझे क्या मानना चाहिए, द फर्स्ट फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन विल बी योर सेकंड फंक्शन। सो नाउ सॉल्व बाय दिस, क्योंकि लॉग एक्स स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन नहीं जानता, तो इट्स ओके। फर्स्ट फंक्शन को मैंने एज इट इज रखा, यानी लॉग एक्स का होल स्क्वायर मैंने एज इट इज रखा, इनटू 1 का इंटीग्रेशन, दैट इज वेरी सिंपल, एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब लॉग एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए मुझे क्या होगा, दैट इज वेरी सिंपल। क्या होता है जी, पावर आगे, पहले पावर का करेंगे, तो पावर आगे और क्या बचा, लॉग एक्स होल रेज टू पावर 2 माइनस 1, दैट इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले पावर का किया। अब लॉग एक्स का क्या होगा, दैट इज वेरी सिंपल जी, 1 बाय एक्स होगा, इनटू क्या बचा जी, अब मेरा बचा 1 का इंटीग्रेशन, तो मैं लिखूंगा यहां पे इनटू एक्स और इसका फिर से इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का जो सॉल्व करके आएगा, यानी इससे ये कैंसिल आउट कर दो, और इस पूरे फंक्शन का क्या करना है मुझे, अगेन इंटीग्रेशन करना है। तो 2 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख दिया, ये बचा मेरे पास लॉग एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, लॉग एक्स इंटू 1, अगेन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछा है, तो लॉग एक्स इंटू 1 मैं बता चुका हूँ पहले, तो आई थिंक डायरेक्टली लिख दें तो कोई दिक्कत। तो जैसे सिंपली क्या होगा मेरा, x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट c, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब चाहो तो एज यूजुअल लॉग x का इंटीग्रेशन सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले करवाया था कि लॉग x इंटू 1 इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन, तो यूज करके इसको खुद से निकाल लेना, मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया, दैट्स इट। सो दैट्स योर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़े। चलो आप चाहो तो कर सकते हैं, चलो छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, 2x के अंदर लेके जाना चाहो लेके जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस वन इज x log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log x होल स्क्वायर, log x होल स्क्वायर। ठीक, जस्ट लास्ट जैसा ही है, कोई डिफरेंस है क्या? डिफरेंस ये है जी, यहाँ log x होल स्क्वायर इंटू x आ गया, वहाँ x नहीं था बस, तो जो मेरे लिए काम आसान हो गया ना, अलजेब्रिक फंक्शन इसने खुद ने दे दिया। तो एज यूजुअल जैसे हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक बनेगा सेकंड, क्योंकि l जो है a से पहले आता है, दैट्स इट। सो यूज इट, log x होल स्क्वायर मेरा एज इट इज, x का क्या करना है, इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इक्वल टू फर्स्ट इसका डिफरेंस, लॉग एक्स होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो 2 इंटू लॉग एक्स, सॉरी 2 इंटू लॉग एक्स, यही होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 2 एक्स की जगह क्या है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का फिर से इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा, 1 बाय एक्स। तो इसका सॉरी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सॉरी द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया। ठीक है, कैसे किया, पहले पावर का किया तो 2 log x आ गया, log x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 बाय x आ गया। अब सेकंड यानी x का इंटीग्रेशन, तो ये मैंने पहले किया हुआ, दैट इज योर सिंपली
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू डी एक्स एच डी। नाउ सॉल्व इट एंड अगेन इंटीग्रेट दिस। सो इसका काम खत्म हो चुका है, इसको मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस। इस टू से टू कैंसिल आउट, एक्स से एक पावर कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा जी इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट दिस अगेन। सो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू लॉग ऑफ एक्स मेरा एज इट इज होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स। अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, दो फंक्शन है, यू वी प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो लॉग जो आता है एल जो आता है ए से पहले, तो सेम एज इट इज, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। माइनस बाहर है, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, यूज इट। लॉग एक्स मेरा एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो एक्स का इंटीग्रेशन होगा जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन करोगे दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और साथ में मेरा आ गया डी एक्स अगेन। सो नाउ सॉल्व इट, ब्रैकेट क्लोज। ये इंटीग्रेशन हो चुका है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अंदर लेके जाओ तो दिस ये भी हो चुका है दैट इज योर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू लॉग एक्स। ठीक है जी, माइनस आ जाएगा तो इसको कर देगा प्लस, इसका इंटीग्रेशन करो एक्स से, ये पावर कैंसिल आउट, टू वन बाई टू मेरा बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन अगेन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, टू टू जा फोर। सो ये हो गया मेरा आंसर। अब चाहो तो एक्स स्क्वायर बाई टू सब में से कॉमन ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी क्या बचा, इसका स्क्वायर ये, और फाइनली यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, या फिर फोर को एलसीएम ले लो, वो आपकी चॉइस है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो दैट्स योर, कौन सा हो गया भाई, फिफ्थ पार्ट हो गया। यस, मूव करते हैं सिक्स्थ, टोटल एट पार्ट हैं, तो सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस वन इज। ठीक, नेक्स्ट, बस थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ता जाता है, कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही है। इंटीग्रेशन ऑफ सिक्स्थ मुझे गिवन है लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मुझे गिवन है भाई। सो जो क्या कोई रूल, कोई लॉगरिथमिक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे कि मैं वन और एक्स स्क्वायर को अलग कर पाऊँ, ठीक है, या इस पावर को आगे ले पाऊँ। तो सिंपली ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, मैं अगेन वही काम करता हूँ, इंटू वन कर देता हूँ, साथ में लगा दे डी एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, तो इंटीग्रेट करो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन दैट इज सिंपली एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग इसके अंदर जो भी टर्म है वो नीचे आ जाएगी, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का क्या होता है वन बाय एक्स, एक्स की बजाय क्या वन प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ गया। अब वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, वन का तो जीरो हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का दैट इज टू एक्स, काम खत्म। अगेन वन का इंटीग्रेशन तो एक्स है, पहले ही किया हुआ है, इंटू एक्स हो जाएगा एंड साथ में डी एक्स। जीरो प्लस टू एक्स इज टू एक्स, टू एक्स इंटू एक्स इज टू एक्स स्क्वायर, क्या बन गया टू एक्स स्क्वायर इज देयर। सो नाउ योर क्वेश्चन बी लाइक दैट। सो इसको मैं जी लिखता हूँ एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, जैसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। मान लो इस टू को मैं बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, ये टू बाहर आ गया, क्या बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे और ऊपर पावर सेम है। अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिंपली जी एक्स स्क्वायर है जो नीचे है वही ऊपर बनाने की ट्राई करनी चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए प्लस वन और माइनस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन बनाने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दिया और माइनस वन कर दिया, डिवाइड बाय मेरे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, या फिर इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दो, इस बात से कोई फर्क पड़ेगा क्या, जी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए प्लस बी या बी प्लस ए, ऊपर मैंने इस एक्स स्क्वायर को क्या बना लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन की फॉर्म में। सो अब ये दोनों सेम है, इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ। सो ये टर्म एज इट इज माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये एज इट इज लिख देना, मैं ये समझा रहा हूँ, इसको मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट ताकि गड़बड़ ना हो इस माइनस टू की, माइनस क्या बचा वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसके साथ भी डी एक्स है, इसके साथ भी डी एक्स है क्योंकि मैंने दोनों का कर दिया इंटीग्रेशन अलग अलग। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट हो, ये मैंने एज इट इज लिखना है, माइनस टू मेरा बाहर था, ब्रैकेट लगाई मैंने, और एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, डिनोमीटर मेरा एज इट इज है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, वापस से आप यहीं पहुँच जाओगे। द नाउ सॉल्व दिस, सो अगेन दिस पार्ट इज एज इट इज मीन्स एक्स लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज माइनस टू ब्रैकेट स्टार्ट, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, क्या बचा वन, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है दैट इज वेरी सिंपल जी एक्स होगा। एक काम करता हूँ
वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर या वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, अगर इस वन को ए लिख दूं तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बन जाती है किसकी, टेंजेंट इनवर्स एक्स की, तो दैट बिकम माइनस साइन है टेंजेंट इनवर्स एक्स, और सबका इंटीग्रेशन होने के बाद एक लगा देते हैं कॉन्स्टेंट, माइनस टू को अंदर ले जाओ दिस बिकम माइनस टू एक्स एंड दिस बिकम प्लस टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। ठीक है भाई, तो दैट इज लास्ट सिक्स्थ पार्ट था मेरा, दैट्स इट। ठीक है, तो एक थोड़ा स्टेप बढ़ गया, एक मैनिपुलेशन और बढ़ गया। ठीक है, बेसिक चीज़ें वही चल रही लॉगरिथम वाली। सो लास्ट दो पार्ट में करवा देता हूँ फटाफट से, एंड देन लॉगरिथमिक वाला पार्ट हो जाएगा आपका खत्म, फिर मूव करेंगे नेक्स्ट। चीज़ें होप शो आपको क्लियर हो रही हैं, तो सेम बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन आसान है। सो नाउ द सेवंथ पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स डी एक्स, सॉरी एक्स क्यूब इज देयर, सॉरी एक्स स्क्वायर एंड लॉग ऑफ वन प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो अगेन वही है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन बना लो, इसको बना लो अल्जेब्रिक फंक्शन को सेकंड, तो यूज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सो दिस बिकम योर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइड बाय थ्री, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव लॉग वन प्लस एक्स का क्या होगा, वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स, ये सुनो जी बिल्कुल, एक्स की बजाय क्या वन प्लस एक्स, तो वन बाय वन प्लस एक्स। अब मुझे ये बताइए एक्स का अब अंदर इसका वन प्लस एक्स का करोगे तो क्या होगा, वन का जीरो एक्स का वन लिखने की जरूरत है क्या, जीरो प्लस वन इज वन, तो वन पहले से लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। और इसका जो इंटीग्रेशन है वो मेरे पास पहले से, दैट इज योर एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री डी एक्स, अगेन वही मैनिपुलेशन है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ, इस थ्री को तो बाहर ले आऊँ, एक्स क्यूब इंटू वन दैट सिंपली बिकम एक्स क्यूब, नीचे क्या है वन प्लस एक्स, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्स प्लस वन, एक ही बात है। अब किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं किसको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, बस वही काम मुझे यहाँ करना है। तो एक्स क्यूब को एक्स प्लस वन से डिवाइड कर दो, या तो आपके पास जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं वैसे कर सकते हो, या फिर देखो सिंपली अगर इसको जल्दी करना है तो एक्स क्यूब ये क्या है मेरा एक्स क्यूब है, अगर मैं इसको x प्लस वन इस फॉर्म में बनाना है तो एक काम करता हूँ, मैं इसमें प्लस वन और माइनस वन कर सकता हूँ क्या, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि इसको मैंने लिख दिया प्लस वन एंड माइनस वन, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखो एक तरीका वही है, क्या करोगे इसकी जगह लिखने के लिए आप एक्स क्यूब को एक्स प्लस वन से डिवाइड कर देना, वो जनरल मेथड है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप वो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर भी कुछ मुश्किल नहीं है, कैसे एक्स क्यूब में मैंने प्लस वन किया माइनस वन किया, इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ क्या मैं वन को वन का क्यूब लिख सकता हूँ, जी लिख सकते हैं। ठीक है, इस माइनस वन को अलग करता हूँ और इसको मैं अलग करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो ध्यान से देखो, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री मेरा एज इट इज, माइनस वन बाई थ्री मेरा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मैं पहले ही ब्रैकेट लगा देता हूँ, मैं एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस वन को अलग करता हूँ, और जो बाकी बचा माइनस का वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, इसको मैं लिखता हूँ अलग। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसे अलग अलग कर सकता हूँ। बट ये ऐसा मैंने क्यों किया, तो अब आपको याद आना चाहिए कि मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, क्या बोलती है वो, बोलती है जी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, बस वही आइडेंटिटी यहाँ लगा दो, नीचे क्या है एक्स प्लस वन, या ए की जगह एक्स है बी की जगह वन है, तो यूज इट, ये एज इट इज लिख देना माइनस वन बाय थ्री इंटू ऊपर एंड लगेगी क्या एक्स प्लस वन, जो भी टर्म है ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर एंड माइनस ए बी मीन्स माइनस एक्स होल डिवाइड बाय क्या है एक्स प्लस वन, माइनस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन इससे। ठीक है, और इस पूरे के साथ डी एक्स मेरा एज इट इज, सॉरी इसको ब्रैकेट में लेते हैं, साथ में dx और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज। सो नाउ दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, बाकी जो बचा इसका इंटीग्रेशन आता है, जी बिल्कुल आता है, इसका आता है, जी आता है। तो ये वाले टर्म तो एज इट इज क्या थी मेरे पास, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री भी एज इट इज इंटू, अंदर ले जाओ एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री, वन का होगा प्लस का एक्स, माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, माइनस वन बाई एक्स प्लस वन दैट इज सिंपली माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस वन एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी,
यहाँ लगा दो ब्रैकेट क्योंकि माइनस वन बाई थ्री। इस माइनस वन बाई थ्री को अंदर ले जाओ या फिर इसको पूरा बाहर निकाल लो, क्योंकि वन बाई थ्री यहाँ है, वन बाई थ्री यहाँ है, तो बेटर रहेगा इसको ऐसे निकाल लो। ये बाहर आएगा तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, ये थ्री बाहर, ये भी थ्री बाहर, ये माइनस जो बचा इसको अंदर ले जाओ, तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, दैट्स इट। ठीक है, तो और कुछ आई थिंक नहीं हो सकता, इसको रीअरेंज करके जरूर लिख देना। द फर्स्ट इज दिस एंड देन लॉगरिथम फंक्शन ये लिख सकते हो, देन क्यूब टर्म, स्क्वायर वाले टर्म एंड देन लीनियर टर्म। तो इसको रीअरेंज करके लिख देना, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम, इतना तो कर ही सकते हो। सो अब देखते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का और फिर लॉगरिथम वाला पार्ट हो जाएगा आपका ओवर। सो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो द लास्ट वन इज लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, डरना नहीं है, क्वेश्चन दिखने में खतरनाक है लेकिन आसान है, एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, सेम कॉन्सेप्ट। अब इसको लॉग एक्स की तरह ट्रीट करो, लॉग एक्स है तो कैसे करेंगे, इंटू वन कर लो। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है पूरा, तो इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे सेकेंड फंक्शन, तो यूज इट एंड सॉल्व इट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज। सेकेंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका, वन का, वो होता है एक्स, हम जानते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा नेक्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, धीरे धीरे हम समझेंगे दो तीन स्टेप में, आप चाहो तो डायरेक्टली जिसका डिफरेंशिएशन अच्छा है एक स्टेप में चैन रूल लगा के कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड इनटू इंटीग्रेशन पहले कर चुके हैं, तो दैट इज इनटू एक्स मेरा एज इट इज। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसका काम खत्म हो चुका है, तो इसको तो मुझे एज इट इज बस साथ में लिखना है। तो x इंटू, इस x को मैं आगे लिख देता हूँ, लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस। अब इसका करो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, लॉग इस पूरे को जैसे हम करते हैं चैन रूल में, इसको x की तरह ट्रीट करो, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है जी वन बाय x, तो मैं लिख दिया वन डिवाइड बाय, ये इंटीग्रेशन मेरा एज इट इज रहेगा, वन डिवाइड बाय x क्या है, x है जी x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक चीजें क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। अब चैनल क्या बोलता है, चैनल बोलता है जी इसका हो गया, अब जो x था ना उसका डिफरेंशिएशन, तो x से ये पूरा था, तो इनटू dy / dx ऑफ x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, चीजें क्लियर, एंड इनटू x मेरा एज इट इज रहेगा साथ में dx भी एज इट इज रहेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़े, अब dy / dx ऑफ इसका करना है, बाकी हो चुका है ये वाले टर्म, एज इट इज लिख देना, मैं रिपीट नहीं कर रहा मैं, और इससे आगे कर रहा हूँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड बाय एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज देयर इनटू डीवाई बाय डीएक्स ऑफ दिस एंड दिस, दिस प्लस दिस, तो एक्स का अलग होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन, प्लस इसका क्या होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैं बार बार बोलता था, याद कर लो, दैट इज वन डिवाइड बाय टू रूट एक्स, ठीक है, यही होगा। नहीं पता इसकी पावर हाफ कर लेना, एक्स एस टू आर एन वाला फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा, कर लोगे। सो अब x की बजाय क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इट्स ओके, वन डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये हुई जब इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहा था, ये आ गया, अब x मैंने किसको माना, इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन अगेन है, तो इनटू dy / dx ऑफ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। और ये ध्यान रखना, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये मेरा एज इट इज इनटू इसका डिफरेंशिएशन मैंने किया जी, बिल्कुल किया, इसमें एक्स का वन आ गया, इसका आ गया ये वाला। अब इस टर्म में ये वाली जो टर्म थी, इस टर्म में ये है मेरा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ना कि वन के साथ भी होगा, ये ध्यान रख लेना, ये गड़बड़ मत कर देना, जब डायरेक्टली चैन रूल लगाओगे ना तो ये गड़बड़ होने के चांसेस हैं, बस ये ध्यान रख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे के इनटू में एक्स डी एक्स मेरा एज इट इज। सो नाउ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन यहीं कर दूं, तो ए स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा जी टू एक्स, सो दिस बिकम योर, यहाँ पे आ जाएगा मेरा टू एक्स, कि यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक, इनटू एक्स डी एक्स एज इट इज, दिस टू एंड टू गेट कैंसिल आउट। नाउ इस पे ले लो एलसीएम, इस पे एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ऊपर हटा दूंगा, देखो ये तो आंसर में इंक्लूड है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला सॉल्व करवा दूं, तो ये तो एज इट इज रिपीट करते रहना बस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड बाय, ये मेरे पास एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यह एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस बिकम योर इंटू, एलसीएम आ गया मेरा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
ये वन था तो ये एज इट इज ऊपर चला जाएगा, मीन्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर एज इट इज है तो प्लस एक्स इज देयर इन टू इस पूरे के साथ में, इन टू में क्या है एक्स। अब देखो ये और ये टर्म सेम है क्या, एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट लिख दो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट का प्लस एक्स लिख दो, दिस एंड दिस गट कैंसिल आउट। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास फाइनली बचा इज इक्वल टू, ये एक्स को अंदर ले जाऊँ तो एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड इसका कर दो इंटीग्रेशन, ये बचा मेरे पास। ठीक है जी, ये माइनस साइन एज इट इज, तो माइनस साइन को एज इट इज लिखो, साथ में लिख दो डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स भूल गए हम, लगा दो, भूल गए तो कोई बात नहीं। सो नाउ ये टर्म बची है जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो ये टर्म तो एज इट इज रहेगी माइनस इसका इंटीग्रेशन और करना है। कैसे करोगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस तो एक्जैक्टली ऊपर दिख रहा है तो बस इसको टी सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बाय सब्स्टिट्यूशन अगर कर रहे हो तो मैं लेट करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ पुट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ए का जीरो, दिस बिकम योर टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, टू को ले जाता हूँ उधर तो डी टी बाय टू, एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी टी बाय टू, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज डी टी डिवाइड बाई टू को मैं ले आया बाहर, कॉन्स्टेंट है और ये बन गया रूट टी। अब रूट टी का इंटीग्रेशन हम जानते हैं दैट इज माइनस हाफ एज इट इज, रूट टी पर जाएगा तो माइनस का हाफ, तो दिस सिंपली बिकम रूट टी डिवाइड बाय हाफ प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो अगेन, यू गेट योर आंसर, तो दिस इज माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, और इससे पहले क्या था ये वाले टर्म, तो दिस माइनस दिस प्लस सी, दैट्स इट। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन भी आता हुआ है, रूट टी को ऊपर लेके जाओ क्या हो जाएगा टी रेस्ट पावर माइनस हाफ, अगेन एक्स रेस्ट पावर एन का फॉर्मूला लगा दो, प्लस वन करोगे तो टी रेस्ट पावर हाफ, टी रेस्ट पावर हाफ मीन्स रूट टी होल डिवाइड बाई हाफ एज इट इज, दिस हाफ एंड हाफ गेट कैंसिल आउट एंड यू गेट योर आंसर, सिंपल। सो दैट्स योर लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, और टोटल फाइव पार्ट हैं इनमें से, आसान है बहुत ज़्यादा। So the next type of questions are, so this is your question number 3, hope so आपको logarithm से related जितने questions हो सकते थे maximum मैंने करवा दिए हैं। Now move to question number 4 and the first part of is this integration of sine root x and the second part में आपको पास होगा cos root x, integration of cos root x, ये दोनों question एक जैसे हैं भाई, तो इनमें से मैं कोई एक करवा देता हूँ और एक आप करेंगे खुद से, ठीक है हो जाएगा, तो फर्स्ट करवाता हूँ सेकंड आप खुद से ट्राई करेंगे। शो कैसे करोगे, क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जी, साइन एक्स होता तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, साइन पी एक्स प्लस क्यू भी है, यानी यहाँ लीनियर फंक्शन होता तो भी है, बट यहाँ साइन रेज टू पावर क्या है हाफ है, तो दिस इज नॉट ए लीनियर पॉलिनोमियल, सो इसके लिए मेरे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करूँ, तो क्या करूं, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको लास्ट में, कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस में आप फंस जाओ जहां पे आपको ऐसे रूट वाले टर्म दिखे, तो सबसे बढ़िया तरीका यही रहता है कि इस रूट एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दो, उस रूट वाले टर्म को चले जाओ, मीन्स एक्स इज इक्वल टू इसको टी स्क्वायर लिख दो, क्या चीज़ें क्लियर हैं, ताकि मैं इस रूट को हटा सकूं, ये रूट हट गया तो मेरा काम बन जाएगा, तो मैंने रूट एक्स को टी ले लिया, रूट उधर जाएगा स्क्वायर, यानी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर ले लिया, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट हियर डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, क्या ये चीज़ें क्लियर हैं जी, बिल्कुल क्लियर है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स, रूट एक्स को मैंने लिया टी, तो दिस बिकम योर साइन टी इन टू डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, टू तो कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दो, साइन टी इन टू टी डी टी, नाउ योर टू फंक्शंस साइन टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड टी एन अलजेब्रिक फंक्शंस इन वेरिएबल टी, सो आईलेट क्या बोलता है, आईलेट सिंपल बोलता है जी, अल्जेब्रिक फंक्शन पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा, यानी अल्जेब्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इज योर सेकंड फंक्शन, नाउ सॉल्व दिस, इंटीग्रेशन ऑफ टी इज योर फर्स्ट फंक्शन, साइन टी इज योर सेकंड फंक्शन डी टी, यूज इट एंड सॉल्व इट, इट्स वेरी इजी, टू मेरा बाहर रहेगा एज इट इज, टी का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन टी सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है जी माइनस का कॉस टी, याद होगा सी वाले टर्म आते ही माइनस साइन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसलिए मैंने साइन टी वाला करवाया, कोस वाला नहीं किया, उसमें प्लस आएगा तो इट्स ओके, वो इजी रहेगा मेरे लिए। सो नाउ द नेक्स्ट इज टी का डिफरेंशिएशन, दैट इज वेरी सिंपल जी, वन इन टू साइन टी का इंटीग्रेशन तो पहले ही कर चुका हूँ, माइनस का कॉस टी, साथ में मेरा डी टी अगेन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सो नाउ दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस, ये मेरा एज इट इज टू इन टू टी
माइनस को आगे लिख सकता हूँ, तो माइनस टी इंटू कॉस टी प्लस कॉस टी का अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो यू गेट हेयर साइन टी और प्लस मेरी कॉन्स्टेंट टर्म आती है दैट इज सी, दैट्स इट। टी के जगह क्या लिखना है जी, रूट एक्स है, तो जहाँ जहाँ टी दिखे रूट एक्स लिख दो एंड यू गेट योर आंसर। प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, दैट्स योर आंसर, इजी, इट्स वेरी इजी। सो इस जो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड हम मुझे खुद से करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। मैं मूव करता हूँ थर्ड पार्ट में, ठीक है, और थर्ड पार्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल है, तो वह एग्जांपल आपको करना है, तो मैं थर्ड पार्ट बताता हूँ क्या है। सो योर क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर इज कॉसेक क्यूब एक्स का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और आपका एक एग्जाम्पल है उसमें दिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डी एक्स। क्या किया जाए, ठीक है, दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, ये मैं करवाता हूँ वो आप खुद करेंगे। क्या करूँ, कॉसेक क्यूब एक्स, कॉसेक क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, कॉसेक क्यूब एक्स का कोई फॉर्मूला हो, जैसे साइन क्यूब एक्स के लिए मैं साइन थ्री एक्स वाले फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, कॉस क्यूब के लिए मैं कर सकता हूँ, टेंजेंट क्यूब के लिए मैं कर सकता हूँ, बट कॉसेक क्यूब के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैंने सिंपल सा तरीका ढूंढा इसको करने का, क्या वाला, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या कोई दिक्कत है, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे दो फंक्शन बन गए, अब मेरे क्या बन गए, दो फंक्शन बन गए, ठीक है, लेकिन दोनों क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, दोनों क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आईलेट तो हो गया मेरा फेल, क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री से पहले ट्रिग्नोमेट्री बात नहीं बनी, यानी कोई अलग फंक्शन होता तो बात बन जाती, बट यहाँ पर बात नहीं बनी। तो अब जो सेकेंड स्टेप आता है, जो 99% मैंने बोलते ना, ये जो 1% वाले जो बच गए ना, जहाँ पर ये रूल लागू नहीं होता वहाँ पर आ गए, तो सिर्फ छोटी सी कॉमन सेंस लगानी होती है, इन दोनों में से, इन दोनों में से किसका इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ। तो आपने फर्स्ट लेक्चर जो हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, जहाँ पे फॉर्मूले पढ़े थे, वहाँ हमने अपने पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोट एक्स का, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ क्या होता है, माइनस कोट एक्स, बस पत्ती हो गई, इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ इसका, कॉसेक एक्स का जानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, तो मुश्किल है तो मुश्किल काम क्यों करें, आसान काम करते हैं। सो दैट्स वाई दिस बिकम योर सेकंड फंक्शन, जिसका इंटीग्रेशन जानता हूँ वो सेकंड फंक्शन, नहीं जानता वो फर्स्ट फंक्शन, नाउ सॉल्व इट। तो फर्स्ट मेरा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो दैट बिकम माइनस कॉट एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, वो होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और दोनों में को माइनस, सेकंड का इंटीग्रेशन तो ये मैं पहले कर चुका हूँ जी, माइनस का कॉट एक्स, और डी एक्स मेरा लग जाएगा साथ में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, कोई किसी को प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़े जी, बिल्कुल बढ़िए। तो इससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, माइनस आगे आ जाएगा, तो दिस बिकम माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस 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 बिकम प्लस, और एक माइनस और भी है जी, तो ये बना देगा अल्टीमेटली इसको माइनस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स, तो दिस सिंपली बिकम कॉसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स ही होगा। तो अब क्या किया जाए, इसके आगे क्या कर सकते हैं, इसके आगे सिंपली कर सकते हैं जी, कॉट स्क्वायर एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉसेक में चेंज कर सकता हूँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, और उसका इंटीग्रेशन मुझे आता है। तो अब मेरे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे क्या होता था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता था कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 को ले जाओ इधर दैट बिकम माइनस 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, चेंज इट, इसका काम हो चुका है, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैंने लिखा कॉसेक एक्स एज इट इज इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, क्या लिखूंगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 पूरे का इंटीग्रेशन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं, कॉसेक को ले जाओ अंदर,
कौशिक को अंदर लेके जाओगे तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखोगे आप, तो सेक क्यूब एक्स का आप खुद से कर लेना भाई, ठीक है। सो नाउ दिस बिकम योर एज इट इज, सो इज इक्वल टू माइनस का कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स मेरा रहेगा एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अंदर लेके जाओ, दिस बिकम कॉशेक एक्स इंटू कॉशेक स्क्वायर एक्स, दिस सिंपली बिकम कॉशेक क्यूब एक्स, साथ में डी एक्स लिख देता हूँ, और इसको मैं अलग करता हूँ, कॉशेक एक्स इंटू वन करोगे दैट इज माइनस कॉशेक एक्स, तो माइनस कॉशेक एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन अलग से। अब ध्यान से देखो एक चीज़, ये वाला माइनस दोनों के साथ अंदर जाएगा, तो ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा प्लस, क्योंकि माइनस अंदर गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो प्लस कॉस क्यूब एक्स है, अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। नाउ दिस माइनस इंटू कॉशेक एक्स दैट इज माइनस कॉशेक एक्स, तो ये अंदर जाएगा देन बिकम योर प्लस कॉशेक एक्स डी एक्स, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। सो अब अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को देखा होगा तो ये क्या है जी, ये वही चीज़ है जो हमने थोड़ी देर पहले की थी, क्या की थी हमने, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था दैट इज योर दिस, यस और नो, जी बिल्कुल, इसी का तो इंटीग्रेशन मुझे निकालना था, तो वापस से मैं तो यहीं आ गया, यहीं नहीं आए, क्वेश्चन सोल्व होने वाला अभी, कैसे देखो, आई इक्वल टू ये था तो ये सारा सॉल्यूशन जो है किसके इक्वल है, सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि ये तो आई की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैंने इसको बोला कि ये मेरा आई है, सो इंटीग्रल है तो दैट इज योर दिस, सो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई, और यहाँ से मुझे पता लगता है जी आई ये भी है, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली आई लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दीजिए, सो आई एज इट इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और माइनस इस इंटीग्रेशन इंटू दिस, इसको मैं लिखता हूँ आई एंड प्लस कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन मुझे जानता है क्या होता है जी, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, एक और भी होता है तो आप खुद से लिख लेना, इस माइनस आई को उधर जब लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा जी प्लस आई, तो दैट इज बिकम टू आई, ये सुनो आई इधर था, ये आई इधर आया तो टू आई, इस टू को फिर से उधर ले जाओ तो दैट बिकम हाफ, इसके आगे लिख दो टोटल, दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है भाई, दैट्स इट, तो हाफ ऑफ माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है भाई। एक चीज़ और कर सकते हो यहाँ पे, देखो कॉसेक एक्स के दो फॉर्मूले थे आपको अगर याद हो तो, कौन कौन से होते थे, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कॉसेक एक्स आपको याद है तो दैट इज वेरी सिंपल, दो फॉर्मूले होते थे, फर्स्ट वन इज दिस, ये तो मैंने लिखवा दिया, सेकंड क्या होता था दैट इज लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स बाय टू, सो मे भी हो सकता है हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, सो अगर इसकी जगह पर ये भी आपको आंसर में मिलता है तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है, आप डायरेक्टली ये लिख दो, ये तो मेरे पास पहले से है, तो दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट, ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब मैं मूव करता हूँ फोर्थ एंड फिफ्थ, लास्ट दो पार्ट बचे हैं आज की क्लास के भी और क्वेश्चन नंबर फोर के भी, एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी चल सकती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो बस आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अगर पहले से जो आपने मैनिपुलेशन किए वो आते हैं तो आप कर सकते हो, कॉसेक क्यूब एक्स मैंने बताया, sec क्यूब एक्स आप खुद से करोगे, गिव मी द आंसर। सो द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू log sin 2x dx, log ऑफ sin 2x dx, ये मुझे गिवन है, ठीक है, ये तो कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया तो, लेकिन है तो सिंगल फंक्शन और एक फंक्शन है मेरे पास cos 2x, सो इसको अब देखो है तो कॉम्पोजिट फंक्शन, लेकिन मुझे पता है log इंटू समथिंग कुछ भी मिला log के अंदर, सॉरी log x का इंटीग्रेशन मैं नहीं जानता, इसका मतलब मैं आप सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करने के लिए मुझे इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या लेना चाहिए सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ बच्चे ना जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना शुरू कर देंगे ना तो फिर उसके बाद वो बाकी चीज़ें भूल जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ट्राई करो, क्वेश्चन हो सकता है मैनिपुलेशन से हो जाए, कुछ सब्स्टिट्यूट करने से हो जाए, तो वैसे भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, ठीक है, क्लियर है। सो आप इस क्वेश्चन को भी वैसे कर सकते हो, बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, कैसे, पहले मैं इससे करवाता हूँ फिर हम सब्स्टिट्यूशन दोनों से ट्राई करके बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में होता ना, एक्सरसाइज में होता, तो आप साइन टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन बाहर देखते कॉस टू एक्स और डायरेक्टली इसको टी सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेते, ठीक है, तो मैं एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर रहे तो मैं ऐसे करवाता हूँ एंड देन सब्स्टिट्यूशन से भी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, देखो कैसे। सो नाउ द सेम फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक वाला, तो साइन लॉग साइन टू एक्स मेरा एज इट इज इन टू
कॉस टू एक्स का कर दो इंटीग्रेशन, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाए साइन टू एक्स, और एक्स के साथ एक्स्ट्रा क्या है टू, तो ये आएगा मेरा नीचे, चीज़ें क्लियर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशियल, लॉग साइन टू एक्स का डिफरेंशियल करोगे तो वन डिवाइड बाय साइन टू एक्स, पहली चीज चैनल लगाना है, लॉग का हो गया साइन टू एक्स का करो, साइन टू एक्स का डिफरेंशियल होगा जी कॉस टू एक्स इन टू साइन के अंदर क्या है टू एक्स, टू एक्स का इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा, सॉरी डिफरेंशिएशन करोगे तो टू, और इसका मैं इंटीग्रेशन पहले लिख चुका हूँ दैट इज साइन टू एक्स, तो इन टू साइन टू एक्स डिवाइड बाई टू एंड साथ में मेरा लगेगा डी एक्स, चीज़ें क्लियर, फर्स्ट रेजिस्टीज सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन बाय चैन रूल, सो नाउ दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, क्या बचा कॉस टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन आता है ये टर्म एज इट इज, माइनस कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा जी साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय टू एंड प्लस एक कॉन्स्टेंट लगा दो सी, दैट्स योर फाइनल आंसर, इजी। तो देखो बिना सब्सटीट्यूशन के भी आसानी है, अगर मुझे बाय सब्सटीट्यूशन करना हो तो एक बार आपको ट्राई करके जरूर देखना चाहिए कि क्या मैं किसी और मेथड से भी इसको कर सकता हूँ, तो ट्राई करना चाहिए हर क्वेश्चन के लिए, आपको कम से कम 4-5 मिनट दो कि क्या किसी और मेथड से भी मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं साइन टू एक्स को, साइन टू एक्स को टी सब्सटीट्यूट करता हूँ, सो दिस बिकम योर कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टू एक्स, टू एक्स का इन टू टू, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी, इस टू को मैं ले गया इधर डिवाइड बाई टू, सो कॉस टू एक्स इन टू डी एक्स, ये पूरा बन गया मेरा डी टी बाई टू, पहली चीज़ ये, और लॉग ऑफ साइन टू एक्स क्या है दैट इज टी, लॉग टी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इस टू को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, अब आई थिंक लॉग टी का मैं इंटीग्रेशन जानता हूँ, लॉग टी इंटू वन कर दो तो हाफ मैं एज इट इज रखता हूँ बाहर, और लॉग टी का इंटीग्रेशन क्या होगा दैट इज वेरी सिंपल, टी इंटू लॉग टी माइनस वन प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी, तो दिस बिकम योर हाफ ऑफ टी इज योर साइन टू एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन टू एक्स माइनस वन एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी, ठीक है। अब यहाँ से भी देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे साइन टू एक्स डिवाइड बाई टू में बाहर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा लॉग ऑफ साइन टू एक्स माइनस का वन, दैट्स इट, तो यानी दोनों आंसर सेम है। सो जिस भी मेथड से आप करना चाहो कर सकते हो, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन के बाद मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, यहाँ सिर्फ बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है, जैसे करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, हटा दूँ, ठीक है। ये करवाने का मेरा सीधा सा मतलब ये है कि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई एक क्वेश्चन एक से ज़्यादा मेथड से भी हो सकता है, तो हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सोचा करो, ठीक है। जैसे हम क्या है 7th एक्सरसाइज चल रही है एलिमेंट से, और एनसीईआरटी से तो हम कंप्लीट कर चुके हैं इनडेफिनिट, सो आपके दिमाग में सारे मेथड्स रहने चाहिए। जब आप धीरे धीरे सोचना शुरू करोगे किसी भी क्वेश्चन को उठाया मैंने, चलो इंटीग्रेशन में पार्ट की एक्सरसाइज है मैंने उससे कर दिया, फिर मुझे सोचना चाहिए कि कोई और मेथड है जो मैंने पहले अभी तक पढ़ा है जिनमें से ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ या ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना चाहिए। क्योंकि अब जब हम ये इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद जब मैं रैंडमली क्वेश्चन हम करेंगे तो वहाँ से हम सीखेंगे कि मुझे किस क्वेश्चन पे कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए या कौन सा क्वेश्चन कितने मेथड से हो सकता है, वो चीज़ हम एट द एंड सीखेंगे जब हमारे पास रैंडम क्वेश्चन होंगे किसी भी एक्सरसाइज से कहीं से भी उठा के मिल जाएंगे। सो नाउ मूव करता हूँ मैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस, थोड़ा सा लेंथी है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 4 का लास्ट पार्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ये गिवन है एक्स साइन एक्स एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स डी एक्स, ये मुझे क्या शो क्या किया जाए। अब चार अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है, तीनों ट्रिग्नोमेट्री के बट है तो अलग अलग, एंड देन एक अलजेब्रिक फंक्शंस है, तो एक तरीका तो वही हो सकता है कि जिस अलजेब्रिक को अलग मान लिया ट्रिग्नोमेट्री को अलग माना और इसको मैं क्या कर दूँ डायरेक्टली कर दूँ कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो गई, तो इसको फर्स्ट मान लो जी, इसका तो कर पाएंगे, ठीक है, बट इसका मुझे जब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और वो भी दो बार, ठीक है, तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। उससे बेटर क्या है मैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ और इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी, एक चीज़ तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले ही बताया कि ऐसा जब भी मिले तो एंगल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, सबसे बड़ा उससे छोटा एंड देन सबसे छोटा, पहला काम ये करो, ठीक है। अब बस याद करो कि कौन कौन सी आइडेंटिटी मैं यूज़ कर सकता हूँ, इन दोनों से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी है साइन ए इंटू साइन बी, अगर आपको याद हो टू साइन ए साइन बी
इसकी आइडेंटिटी क्या होती थी, दैट इज वेरी सिंपल, लास्ट आइडेंटिटी मेरी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ी है और आपको पता होनी चाहिए, तो यूज इट। इंटीग्रेशन ऑफ इस एक्स को मैंने एज इट इज रखा, अब यहाँ पे 2 नहीं है तो इस 2 को या तो यहाँ पे जनरेट कर लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, या फिर इस 2 को वहाँ लिख देना, तो नीचे अल्टीमेटली एक ही बात है, तो ये 1/2 मेरा एज इट इज रहेगा इन टू। इसकी आइडेंटिटी लगा दो, तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी 3x माइनस 2x दैट इज एक्स, इसीलिए मैं बड़ा एंगल आगे लिखता हूँ, एंड माइनस कॉस ए प्लस बी 3x प्लस 2x दैट इज 5x, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगा दी और साथ में आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स को अंदर लेके आते हैं, 1/2 मेरा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स मेरा एज इट इज, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दिस बिकम योर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू फाइव कॉस 5x, तो दिस बिकम कॉस, बड़ा एंगल आगे लिख दिया, छोटा एंगल बाद में लिख दिया, साथ में डी एक्स एज इट इज। यहाँ तक कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, फॉर्मूला याद आता है कुछ? तो इसके लिए मुझे याद आता है जी, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला किया था, दैट इज योर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस 2 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो दिस बिकम योर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो लिख दो हाफ मेरा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू, मैं इसको लिखता हूँ साइन 2 एक्स डिवाइड बाई 2, क्योंकि वहाँ थीटा था यहाँ एक्स है, तो 2x डिवाइड बाई 2, ये बचा कॉस ए साइन बी, अगेन द फॉर्मूला इज 2 कॉस ए साइन बी, क्या होता था जी, दैट इज़ वेरी सिंपल, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है जी। तो सेकेंड है, लगा दो यहाँ पे, तो ये माइनस साइन बाहर एज इट इज रहेगा। नाउ ये 2 मेरे पास फिर से नहीं है, तो इस 2 को होल डिवाइड बाई 2 कर देना, दैट्स इट। सो दिस बिकम अब कॉस ए साइन बी है, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी मीन्स 5x प्लस एक्स दैट इज 6x, माइनस साइन ए माइनस बी, तो माइनस साइन 5x माइनस एक्स दैट इज 4x, होल डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज, ये वाली, और इसको मैं सिंपल ब्रैकेट से कर देता हूँ और इसको मैं बड़ी ब्रैकेट से कर देता हूँ, ठीक है। साथ में मेरा डी एक्स एज इट इज, सो नाउ डिवाइड बाई 2 यहाँ है, यहाँ भी है, इसको बाहर निकालो, ये बाहर निकालोगे तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1/2 पहले से 1/2 ये आएगा 1/4, अंदर जो बचा उसका क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है, ये हटा दो फॉर्मूले, अब इनकी ज़रूरत मुझे नहीं है। सो क्या होगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये मेरा प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब एक तरीका तो ये कुछ बच्चों के दिमाग से, एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को इससे कर दो, एक्स को इससे कर दो, एंड देन तीन अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे, तीनों का इंटीग्रेशन कर लो, उससे बेटर है इसको मैं एक ही बार में कर देता हूँ, अलग अलग करने के बजाय, अल्टीमेटली तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं ऐसे करूँ या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑफ बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी ऐसे करूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, या तीन अलग अलग क्वेश्चन होंगे या एक ही क्वेश्चन में तीनों का हो जाएगा, ठीक है। तो बस मैं वही काम करता हूँ यहाँ पे। सो अब देखो x इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज देयर, तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, दिस बिकम योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस बिकम योर सेकंड फंक्शन, तो यूज इट एंड सॉल्व इट। तो 1/4 तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा एज इट इज, अंदर चलिए जी, x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी x मेरा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इनका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस 2x, और x के जगह पे 2x है तो x का कोएफिशिएंट क्या है 2, वो आएगा नीचे, ये माइनस साइन मेरा एज इट इज। अब मैं पूछता हूँ साइन 6x का क्या होगा, तो जो 2x का होगा वही 6x का होगा, बस 2 की जगह 6 लिख दो, दैट इज सिंपली बिकम माइनस कॉस 6x डिवाइड बाई 6 प्लस साइन 4x, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस कॉस, सॉरी माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय 4, क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहा हूँ मैं, अब होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो वो तो हमने अभी भी किया था, तो एज इट इज लिख दो, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो इसको मैं डायरेक्टली प्लस करके लिख देता हूँ, कॉस 6x डिवाइड बाय 6, और ये प्लस माइनस, अगेन दिस इज माइनस, सो दैट इज माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय 4, ब्रैकेट क्लोज, साथ में मेरा dx एज इट इज, चीज़ें क्लियर। ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, उसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी ये क्या रहेगा मेरा इंप्लाइज, दैट नेक्स्ट टर्म इज 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा x इंटू माइनस कॉस
2x/2, मैं रीअरेंज कर रहा हूँ भाई, इसको मैं आगे लिख देता हूँ -cos 4x/4, एंड इसको पीछे लिखेंगे तो +cos 6x/6। ये हो गया पहला पार्ट। माइनस ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करके लिख दें डायरेक्टली, -(*) -cos 2x/2 है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2x। ये माइनस साइन एज इट इज, cos का हो जाएगा sin 2x। x के साथ एक्स्ट्रा 2 है, 2 पहले से नीचे है तो 2 जा नीचे हो जाएगा 4। सेम एज इट इज इसका करोगे तो +sin 6x/36। लास्ट इज sin 4x/16, और सबके लास्ट में एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, दैट इज c। चाहो तो इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है जी, दैट्स योर आंसर। सो दिस इज योर लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। होप सो चीज़ें आपको क्लियर है। सो बस प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिस करो, जितनी कर सकते हो उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। सो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। होप सो आपको चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आई। कोई भी डाउट हो, चाहे वो रिलेटेड टू वीडियो क्वालिटीज हो, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर डाउट ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आई थिंक इट्स एनफ। थैंक यू।